बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पारशुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो वायलेट जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंटोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहाँ कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपने इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाजाबता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियार खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ कहते ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है, और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ओके, प्रपोज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल अंडर रूल 72(2) ऑन द ग्राउंड्स दैट दिस हाउस डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू मेक दिस अमेंडमेंट्स पेटेंटली वायोलेट द प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड आर्टिकल 14, 15 and 25। सर इट इज बोथ डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी, इट इज अ ग्रेव अटैक ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स। Sir, one thing has to be understood that the waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to waqf al aulad under clause 4 and waqf by user under section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah Subhanahu Wa Taala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al aulad. That is not only discriminatory and violating article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of.
Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, एक दो मिनट दीजिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? इजंट दैट वायोलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? सर, अनदर पॉइंट सर, नाउ नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर हिंदू एंडोमेंट और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary, why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is again separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to look in, sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. दरगाह मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज. सर, टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ 107, यू हैव मेड इट मोर डिफिकल्ट to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, khatam kar, government bol rahi hai. Sir, main khatam kar raha hu, sir, aadha minute. Government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hai. Mujhe yakin hai ki aap Bilqis Bano ko aur Zakia Jafri ko member banayenge. Mujhe yakin hai. Main aap se janna chah raha hu, sir, ke ye jo aap bill la rahe hai, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ हैं और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके DM राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूँ कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे? जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की के आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं, उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी दो मिनट दे दीजिए, एक सेकंड भी नहीं. श्री DM बाल योगी. अच्छा सर, थैंk यू वेरी मच सर. आई वेहेमेंटली अपोज द वेरी प्रेजेंटेशन ऑफ दिस बिल. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir,
दिस बिल इज इलमोटिवेटेड सर. यू हैव गॉट डर्टी एजेंडा विथ यू सर. इफ दिस बिल इज पास्ड, the entire boxing system will be collapsed, sir. Shit. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, work board and work council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the government and hand over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system and they cannot donate to work system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, work about and council. If you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the work board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is an encroacher in this, government building is situated in the workable land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on workable land. That is another thing, sir. Sir, sir, another thing, we can very well understand, powers of the work administration. They will have no, this chairman and the work board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? Various, from various constituency members are there. There was a stipulation that they should be Muslims. But here, you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir. Because we had a lot of work. I have participated in 50 in the Lok Sabha. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader, community leader, he Umar Khan. He made a wonderful report, sir. It was very clear. There was a lot of good thing. You are repealing all these clauses. After a lot of study, Rahman Khan committee recommended certain things and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is, you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, that work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal identity. What you are doing is, you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Yes. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. Okay. K. Radhakrishnan. Very good. Sir,